सरकार ये कमाल की है, तुष्टीकरण की राजनीति ये करती है, ध्रुवीकरण का काम ये करती है। ये कहती है कि ओबीसी के इन्हें 44% वोट मिले और ये जातिगत जनगणना करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि 2011 में जो हमारी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने जातिगत जनगणना का डेटा इकट्ठा किया था, उसको आप साझा करिए, कितने ओबीसी हैं ये बताइए, और जो आपने 50% का जो कैप है रिजर्वेशन पे उसको हटा दीजिए। खड़गे जी ने 16 अप्रैल 2023 को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि 2011-12 में यूपीए की सरकार ने 25 करोड़ घरों को इस सेंसस में इंक्लूड किया था, SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और तब से लेकर अब तक कोरोना का बहाना इन्होंने किया और अभी तक सेंसस नहीं करवाया है, मगर 7% सेक्रेटरी यूनियन गवर्नमेंट में इस वक्त ओबीसी दलित SC ST की श्रेणी में आते हैं। मगर 2019 का डेटा देखिए, 89 सेक्रेटरी में से 3 ST, 1 दलित और 1 भी ओबीसी नहीं। 93 एडिशनल सेक्रेटरीज में से 6 SC, 5 ST और 1 भी ओबीसी नहीं। तो ये क्या बता रहा है कि 44% वोट जिस समाज ने आपको दिया, उस समाज को आपने आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? ये तो आपकी सरकार में बैठे सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी का आंकड़ा बता रहा है। इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति आप जरूर करते हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हर समाज को मिलना चाहिए, जितनी संख्या उतना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्या कर पाएगी ये सरकार? करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगा करना, फिर कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है। भाई डिजिटल इंडिया है, क्यों डरते हैं आप कि डेटा पूरा नहीं आएगा? करिए तो सही, डेटा पूरा का पूरा लाना ये सरकार का काम है, ये केंद्र सरकार का काम है, ये तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अपने अपने राज्यों में आपने करना नहीं है, इसलिए राज्यों पर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश मत करिए। करिएगा जनगणना जातिगत आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।